क्या कुछ हमें पढ़ना है कितना हमें पढ़ना है यानी कि अगर हम बात करें इस वैल्यूएबल टाइम की जो कि आपका काफी क्रूशियल टाइम है इस वैल्यूएबल टाइम को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कितना हमें पढ़ना है यानी कि ओवरऑल जो भी हम यहाँ पे बातें करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स के ऊपर यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपके सिलेबस में क्या कुछ दिया हुआ है और आपके एग्जाम में क्या कुछ पूछे जाते हैं या अगर हम बात करें आपके एग्जाम में किन क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है साथ ही साथ अगर हम बात करें जो कुछ हम लोग प्रीलिम्स में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं उन टॉपिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यानी कि ओवरऑल हमारा जो बेसिकली फोकस रहेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स पे ही रहेगा यहाँ पे हम लोग उतनी ही बातों को यहाँ पढ़ेंगे या जानेंगे जितना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है महत्वपूर्ण है इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि मैंने कहा प्रीलिम्स में जो बातें हम लोग पढ़ चुके हैं सीख चुके हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन आपके पास उन वीडियोस का एक्सेस होगा अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रिम्स में जो भी आपके टॉपिक्स को ऑलरेडी डिटेल में कवर अप किया जा चुका है तो उन वीडियोस को आप डिटेल में जा करके वॉच कर सकते हैं तो इसके लिए बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अब तक यानी कि अगर हम बात करें दो से लेकर के अब तक किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या कुछ आपको सिलेबस में चेंज देखने को मिला है एग्जाम पैटर्न में क्या आपको चेंजेस देखने को मिले तो हर एक बात को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे चार्ट के माध्यम से एक आपका एनालिसिस प्रोवाइड करा रहा हूं मैं और अगर ये आपको प्रॉपर विजिबल नहीं हो रहा तो इसको जूमआउट करके भी हम लोग देखेंगे साथ ही साथ लेक्चर के बाद जो शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वहां पे भी मैं ये शीट आपको ऐड करा करके दे दूंगा ठीक है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चलिए तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सोलह यानी कि 20 तक के यहाँ पे पेपर का क्या है आपके एनालिसिस है बिल्कुल डिटेल में किन टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं किन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले और किन टॉपिक से नहीं देखने को मिले ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बाद हम लोग सिलेबस का भी डिस्कशन करेंगे तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर बात करें अल्फाबेट तो अल्फाबेट पर बेस्ड आपके 2013 में एक क्वेश्चन 2016 में दो क्वेश्चन यानी कि आप देख सकते हैं ओवरऑल तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं अल्फाबेट से रिलेटेड आपके सीजीपीएससी मेंस के एग्जाम में इसी प्रकार अगर हम बात करें एनोलॉजी की तो एनोलॉजी में आपको 2015 में दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की तो ब्लड रिलेशन से आपको 2013 में छह क्वेश्चन 2014 में पांच क्वेश्चन यानी कि ओवरऑल आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इसी प्रकार अगर हम बात करें कैलेंडर की तो कैलेंडर से आपको दो में एक क्वेश्चन देखने को मिला है क्लॉक की बात करें तो क्लॉक से आपको दो में एक क्वेश्चन देखने को मिला है हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2012, 14 और 16 में यानी कि अगर 2014 की बात करें तो तीन क्वेश्चन 2012 में एक क्वेश्चन और 2016 में एक क्वेश्चन तो इस प्रकार आपके पास ये पूरा चार्ट अवेलेबल रहेगा जिसका आप क्या कर सकते हैं सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे केवल जूम करके देखने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा सिलेबस भी डिस्कस करेंगे तो इसी चार्ट को हम लोगों ने जूम आउट यहाँ पे किया हुआ है तो आप चाहें तो इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं मैं स्क्रीन से बिल्कुल हट चुका हूँ आप लोग इसका स्क्रीन ले सकते हैं तो ये हाफ पोर्शन हो गया इसके बाद का जो पोर्शन है वह भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आप इसका भी क्या कर सकते हैं स्क्रीन ले सकते हैं और ये हो गया आपका ओवरऑल टोटल जो कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन किस ईयर में रीजनिंग सेक्शन से आपको देखने को मिले हैं क्लियर अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018 या अगर हम बात करें 2018 के बाद तो आपको रीजनिंग सेक्शन में पूछे जाने वाले प्रश्नों में यहाँ पे काफी गिरावट या कमी आपको देखने को मिल रही है तो इसका मुख्य कारण क्या है इसके कारण पे भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं दो हजार और बीस को अगर हम मिला लें तो केवल और केवल आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं अगर हम इन क्वेश्चन की बात करें तो ये आप देख सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन और मिसिंग टर्म यानी कि अगर आपका बेसिक मैथमेटिक्स ठीक ठाक है तो आपको यहाँ पर एडिशनल कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप उसी से क्या कर सकते थे इन दोनों टॉपिक्स के पूछे गए प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते थे और अगर आपने फिलिम्स का क्लास भी अटेंड किया हुआ तो फिलिम्स में मैंने इन टॉपिक्स पे डिटेल में बिल्कुल चर्चा की हुई है तो आपको इन प्रश्नों को बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी तो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा फोकस रहने वाला है वो किस पे रहने वाला है कि आपके जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं या फ्यूचर में जिन टॉपिक से या जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिन क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगर बात करें ऐसे टाइप के क्वेश्चन की तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रलिम्स में पढ़ रखा है तो फिर यहाँ पे हमें मेन से पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही तो यहाँ पे हम लोग इसलिए इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि जब हम लोग प्रिलिम्स में पढ़ते थे तो हमारा जो अप्रोच होता था वो ऑप्शंस के साथ कैसे क्वेश्चन को करना है बेसिकली इस पर फोकस्ड होता था लेकिन यहाँ पे बिना ऑप्शन के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है हम लोग इस पर फोकस्ड होंगे पूरे के पूरे सेशन में और साथ ही साथ हमारा अप्रोच और कॉन्सेप्ट क्या अलग होने वाला है ऑप्शन के साथ और बिना ऑप्शन के उसको भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए तो ये हो गई बात किसके आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस की तो सिलेबस का भी स्क्रीनशॉट आपके पास यहां पे आप चाहें तो ले सकते हैं बाकी वेबसाइट पे भी आपके अवेलेबल है तो ये इतना लंबा चौड़ा आपको जो सिलेबस दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा रीजनिंग का सिलेबस नहीं है यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है और साथ ही साथ अगर हम बात करें 2018 या उसके बाद जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कमी दिखाई दे रही है उसका मुख्य कारण क्या है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो जिन भी बच्चों को यहाँ पे क्या करना है हिंदी में स्क्रीन लेना है वो लोग हिंदी में स्क्रीन ले सकते हैं जैसा कि अगर हम बात करें ये पेपर फोर के भाग दो में आपको देखने को मिलता है योग्यता परीक्षण तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण के नाम से ठीक है इंग्लिश में भी आपके पास ये अवेलेबल है आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं टेस्ट लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी ठीक है चलिए अब जान लेते हैं कि 2018 या इसके बाद जो आपको क्वेश्चंस में कमी देखने को मिली है उसका प्रमुख कारण क्या है तो जैसे कि अगर हम बात करें 2018 से पहले अगर हम बात करें 2018 से पहले यानी कि बिफोर 2018 या हम बात करेंगे यहां पे 2018 या फिर इसके बाद यानी कि ऑनवर्ड्स ठीक है तो 2018 के पहले की अगर हम बात करें तो ये आपके पेपर सिक्स का पार्ट हुआ करता था यानी कि तब आपके साइंस और अगर हम बात करें जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है ये बिल्कुल अलग अलग आपके पेपर हुआ करते थे और अगर पेपर सिक्स की हम बात करें तो पेपर सिक्स में ये पूरे के पूरे टू हंड्रेड मार्क्स का पूछा जाता था जबकि हम बात करें दो हजार अट्ठारह या इसके बाद की तो ये आपके पेपर फोर का पार्ट है और पेपर फोर में भी ये आपके भाग दो में पूछा जाता है और अगर हम भाग दो की बात करें तो भाग दो आपका केवल और केवल कितने मार्क्स का होता है फिफ्टी मार्क्स का होता है यानी कि पचास अंकों का होता है तो आप देख सकते हैं यहां पे 200 मार्क्स से केवल और केवल यहाँ पे 50 मार्क्स ही आपके बचे हुए हैं यानी कि जो आपके देखा जाए तो लेस देन यानी कि अगर हम बात करें वन फोर्थ ही यहाँ पे आपके मार्क्स हो गए तो सी बात है जो आपको कमी देखने को मिल रही है जो आपको पूछे गए प्रश्नों में कमी देखने को मिल रही है उसका प्रमुख कारण यही है कि अभी यहाँ पे आपके पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है जिसके कारण यहाँ पे आपके रीजनिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उनमें आपको कमी देखने को मिल रही है अगर हम बात करें कंपेरेटिवली तो मैथ्स के क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी अगर आप एक मैथ्स के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस करेंगे तो ठीक है तो ये हो गई बात कारण की कि क्यों यहाँ पे आपको कमी देखने को मिल और सीधे सीधे अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट अगर अल्फाबेट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं कि अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चंस को बनाने के लिए किन बातों को जानना आवश्यक है या कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए जो कि हम लोग ऑलरेडी प्रस में पढ़ चुके हैं तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा सेशन तो आपके पास एक्सेस अवेलेबल है आप जाकर के डिटेल में उसको देख सकते हैं तो सबसे पहले जानेंगे कि किन बातों को जानना आवश्यक है अगर हम अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से बनाना चाहते हैं तो तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फाबेट की तो ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स की प्लेस वैल्यू यानी कि ए से लेकर के के जेड तक अक्षरों का स्थानीय मान हमें पता होना आवश्यक है अनिवार्य है तब हम क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे आसानी से बना पाएंगे साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अपोजिट लेटर्स ऑफ ईच लेटर अपोजिट लेटर्स ऑफ ईच लेटर यानी कि अगर हम बात करें प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर हमें पता होना आवश्यक है ठीक है इससे रिलेटेड भी आपको कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्फ़ाबेट से बिल्कुल हट करके कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना पाने के लिए तो वो हो जाता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड ऑर्डर एंड रैंकिंग यानी कि अगर हम बात करें तो ऑर्डर रैंकिंग पर बेस्ड जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो भी आपको पता होने चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे आसानी से बना पाएंगे और क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आपको जानना आवश्यक है अगर आप अल्फाबेट के क्वेश्चन को आसानी से बनाना चाहते हैं या हल करना चाहते हैं तो जिनके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने टॉपिक वाइज भी डिस्कशन किया हुआ है तो आपको अगर नहीं पता है ये बातें तो आप पहले इन इन बातों से जुड़े हुए जो भी आपके पास चैप्टर्स या वीडियोस अवेलेबल हैं आप उसको क्या कर सकते हैं प्रॉपर देख सकते हैं ठीक है अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पूछे गए प्रश्नों की तो सीधे हम लोग यहाँ पे आएंगे किस पे क्वेश्चन पे और देखेंगे कि किस किस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में और उससे जुड़े हुए आपके एग्जाम में जो अभी तक पूछे गए प्रश्न है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जैसा कि आपने देखा था कि अभी तक 2012 से लेकर के 20 तक आपको अल्फाबेट पर बेस्ड तीन क्वेश्चन देखने को मिले तो उन तीनों ही क्वेश्चन को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे तो देख लेते फटाफट फड़ से यहां पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और पहले क्वेश्चन में आपसे यहां पे पूछा गया है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड माइक्रोस्कोप विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फाबेटिकल सीरीज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में जो भी आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है उसके कहने का अर्थ क्या है और क्वेश्चन को बनाने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जैसा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे तो बिना ऑप्शन के अगर हम अप्रोच की बात करें तो अगर इस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाता था तो सीधे सीधे हम प्लेस वैल्यू लिखते थे और वहाँ पे हम लोग तेयर बनाना शुरू करते थे इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लेकिन जैसा कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे तो सबसे पहली बात कि प्रश्न में आपसे बोला क्या जा रहा है तो प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि वर्ड माइक्रोस्कोप तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहां पे वर्ड लिखेंगे माइक्रोस्कोप ये हो गया आपका वर्ड माइक्रोस्कोप अगर हम बात करें वर्ड माइक्रोस्कोप की तो फटाफट फड़ से यहाँ पे हमको क्या कर लेना है प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स लिख लेनी है रीजन भी बताऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और कैसे यहाँ पे हमारा अप्रोच होना चाहिए और उस अप्रोच के पीछे का कारण या फिर लॉजिक क्या उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो प्लेस वैल्यू की बात करें तो थर्टीन हो गया नाइन हो गया थ्री हो गया एटीन हो गया फिफ्टीन हो गया नाइनटीन हो गया थ्री हो गया फिफ्टीन सिक्सटीन एंड फाइव नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो चार चार आठ दो दस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चार चार आठ दो दस यानी कि आप इसको वेरीफाई कर लीजिए ताकि क्वेश्चन बनाने के बाद आपको यहाँ पे वापस से इसको रीचेक ना करना पड़े ठीक है चलिए अब सबसे पहली बात यह कि प्रश्न में आपसे जो भी बातें यहाँ पे जानकारी दी गई है उसके कहने का अर्थ क्या है इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आई और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ओ अगर इसकी हम काउंटिंग करें तो नौ के बाद मिलेगा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यानी कि अगर हम बात करें आई की और ओ की तो इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो आई और ओ के बीच में यानी कि आप देख सकते हैं आई जे के एल एम एन और ओ तो आई और ओ के बीच में यहाँ पे भी इंग्लिश अल्फाबेट में भी आपको पांच एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं और वर्ड माइक्रोस्कोप में भी आपको पांच एलिमेंट क्या कर रहे हैं दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो यानी कि अगर हम बात करें तो वर्ड माइक्रोस्कोप एज वेल एज इंग्लिश अल्फाबेट में भी ऐसे कितने लेटर्स हैं जो कि उतनी ही दूरी पर इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं जितने की वर्ड माइक्रोस्कोप में आपको देखने को मिल रहे हैं तो उन लेटर्स का हमें क्या बनाना है पेयर बनाना है और ये पेयरिंग हमें केवल लेफ्ट टू राइट ही नहीं बल्कि राइट से लेफ्ट में भी हम लोग क्या करेंगे ऐसे पेयर्स को काउंट करेंगे ठीक है तो आई होप कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ये आपको क्लियर हो गया अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे चलिए तो जैसे कि एक पेयर तो मैंने यहां पे बना के दिखा दिया तो इसको हम लोग शुरू से ही देखते हैं बना करके कि कैसे हमें क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है यहाँ पे स्टार्ट करना है वेरी फर्स्ट लेटर जो कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है यानी कि यहां से हमें क्या करनी करनी काउंटिंग शुरू है नंबर के फॉर्म में चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं जैसे कि यहां आप देख सकते हैं नौ यहां देख सकते हैं आप 15. तो मैंने आपको ऑर्डर रैंकिंग बताया था कि जब एक ही एंड से दो एलिमेंट की पोजिशन हमें पता हो जैसे ये नौ है ये क्या है पंद्रह है मान लेते हैं इनकी प्लेस वैल्यू तो नौ और पंद्रह की अगर हम बात करें तो दोनों का जो डिफरेंस हमें मिलता है वो कितना मिलता है छह मिलता है और इनके बाद इनके बीच में जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे पांच होंगे जो कि आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ पे आपको पेयरिंग बनती हुई दिखाई देगी ये सारी बातें मैंने ऑर्डर रैंकिंग में डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे जो हमारा बिल्कुल बेसिक अप्रोच है उसको आप लोग देखिए तो ये ज्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा जैसे कि हमने कहा तेरह के बाद यहाँ मिलेगा चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस अब उन्नीस से बड़ा कोई नंबर आगे है ही नहीं तो यहाँ पे हमें काउंटिंग नहीं करनी क्यों नहीं करनी है ये हम लोग अगले क्वेश्चन में यहाँ पे डिस्कस करेंगे ठीक है फिर नौ की बात अगर हम करें तो यहाँ पे नौ के बाद मिलेगा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यानी कि हम यहाँ पे एक पेयर बना सकते हैं किसका नौ का नौ का पेयर पंद्रह के साथ में बना सकते हैं तो क्या हमें पंद्रह पे ही रुक जाना है जी नहीं यहाँ पर हमें क्या करना है इसके आगे भी काउंटिंग करनी है अगर इसके आगे भी कोई पेयर बनता है तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे और ध्यान दीजिए कि अगर इसका पेयर आगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बनता है तो जिसका जिसके साथ इसका पहले पेयर बन चुका है उसका पेयर भी उस आगे वाले एलिमेंट के साथ में डेफिनेटली बनेगा जैसे कि आप देख सकते हैं पंद्रह के बाद आपको अगला एलिमेंट मिल रहा है सोलह यानी कि अगर हम बात करें तो I का पेयर P के साथ ही बन रहा है और मैंने कहा कि अगर I का पेयर दूसरे किसी एलिमेंट के साथ में बनता है तो जिसके साथ में I का पेयर पहले बन चुका है उसका भी डेफिनेटली पेयर किसके साथ में बनेगा P के साथ में या अगले एलिमेंट के साथ में बनेगा जैसा कि आप देख सकते हैं O के बाद में आपको P देखने को मिलेगा ठीक है तो इसको हम लोग आगे भी काउंटिंग में कंसिडर कर सकते थे लेकिन अगर मिल गया है तो पहले इसको हम लोग पेयर बना करके रख लेते हैं ठीक है यानी कि अभी तक जो हमें पेयर मिले हैं लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स के तो आई का पेयर मिला हमें ओ के साथ आई का पेयर मिला हमें पी के साथ और ओ का पेयर मिला हमें पी के साथ यानी कि तीन ऐसे पेयर हमें मिल चुके हैं अभी तक वर्ल्ड माइक्रोस्कोप में जो कि उतनी ही दूरी पर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जितने कि वो कहाँ मिलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें देखने को मिलते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो सिक्सटीन से बड़ा कोई नंबर नहीं था आगे इसलिए हमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं थी और काउंटिंग करते भी तो आपका एक ही एलिमेंट बचा हुआ था जो कि क्या था ई यहाँ पे हम बात करेंगे तीन के बाद चार पाँच छः सात आठ नौ दस कोई पेयर नहीं बन रहा फिर हम बात करेंगे अट्ठारह के बाद उन्नीस और उन्नीस से बड़ा नंबर नहीं है तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है पंद्रह के बाद सोलह और आगे सोलह से बड़ा नंबर नहीं है तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है उन्नीस को भी काउंट करने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्नीस से बड़ा कोई भी नंबर आगे नहीं है तीन की बात करें तो चार पाँच छः पेयर नहीं बन रहा पंद्रह की बात करें तो पंद्रह का पेयर बन रहा है सोलह के साथ जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे काउंट कर लिया है और सोलह का आगे पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इससे बड़ा कोई भी नंबर नहीं है तो ये तो बात हो गई कि किसकी लेफ्ट टू राइट की अब हम लोग बात करेंगे राइट टू लेफ्ट की जब हम लोग दाई और से बाई और आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कितने ऐसे एलिमेंट है जिनका आपस में पेयर बन रहा है तो जैसा कि अगर हम बात करें यहाँ पे पाँच के बाद में छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह यानी कि कोई भी पेयर आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दिया सोलह की बात करें तो सोलह के बाद में सत्रह अठारह और उन्नीस यानी कि यहां पे आपको पी का पेयर किसके साथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है एस के साथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो एक पेयर हम लोग यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे पी और एस तो क्या हम लोग यही एस पे रुक जाएंगे जी नहीं आगे हमें काउंटिंग करनी थी लेकिन हम क्यों नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे आगे उन्नीस से बड़ा कोई भी एलिमेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा इसलिए आगे इसका किसी के साथ अब पेयर बनने नहीं जा रहा ठीक है फिर बात करें अगर हम पंद्रह की तो पंद्रह के, के बाद ही मिलेगा सोलह सत्रह और आगे सत्रह से बड़ा नंबर केवल एक अट्ठारह यानी यहाँ तक आएंगे पंद्रह के बाद सोलह सत्रह और अट्ठारह और अट्ठारह से बड़ा कोई भी आगे नंबर नहीं इसलिए आगे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं थी तीन की बात करें तो चार पाँच छः सात आठ नौ कोई भी पेयर नहीं बन रहा उन्नीस की बात करें तो यहाँ पे बीस और उन्नीस से बड़ा नंबर था ही नहीं तो काउंटिंग करने की जरूरत भी नहीं थी पंद्रह की बात करें तो यहाँ पे सोलह और आगे सोलह से बड़ा नंबर नहीं है तो काउंटिंग नहीं करेंगे अट्ठारह की भी काउंटिंग नहीं करेंगे तीन के बाद अगर हम बात करें तो चार पाँच पेयर नहीं बन रहा और नौ की बात करें तो दस से पेयर नहीं बन रहा यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की तो यहाँ पे आपको चार ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स दिखाई देंगे वर्ड माइक्रोस्कोप में जो कि उतनी ही दूरी पर आते हैं जितने की वो कहाँ होंगे इंग्लिश अल्फाबेट में होंगे तो इस प्रकार से इसका हम पूरा का पूरा क्या कर सकते हैं सोल्यूशन बना सकते हैं ठीक है चलिए बात करेंगे इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन के और रीजन जानेंगे कि इससे बड़ी प्लेस वैल्यू का अगर हमें एलिमेंट नहीं दिखाई दे रहा है तो हम क्यों उसकी काउंटिंग आगे नहीं करते हैं ठीक है तो बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट से यहां पे अगले पूछे गए प्रश्न की अगले यदि मैं यहां पे प्रश्न की बात करूं तो बोला गया है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कम्युनिकेशन विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन अल्फाबेटिकल सीरीज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है यानी कि कही कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका बिल्कुल प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिला उसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है तो अप्रोच आपको पता ही चल चुका है तो फटाफट से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वर्ड कम्युनिकेशन लिखते हैं ये हो गया आपका वर्ड कम्युनिकेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह और एक तेरह यहाँ पे अगर हम बात करें तो तीन तीन छ तीन नौ और चार तेरह एलिमेंट आपके यहाँ पे सेम है फटाफट से इसके लिखते हैं प्लेस वैल्यू तीन पंद्रह तेरह तेरह इक्कीस चौदह नौ तीन एक बीस नौ पंद्रह और चौदह ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू अब अगर हम बात करें पेयर की तो चलिए फटाफट फड़ से यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं अगर हम बात करें यहाँ पे तीन की तो तीन के बाद मिलेगा चार पाँच छः सात आठ नौ यानी कि सी का पेयर किसके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो सी का पेयर आपका आई के साथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या हमें काउंटिंग यहीं पे रोक देनी थी हमें नहीं काउंटिंग यहाँ पे नहीं रोकनी थी इसके आगे भी हमें काउंटिंग करनी थी तो नौ के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिलेगा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह आगे कहीं भी पेयर आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है नहीं कि अभी तक अगर हम बात करें तो अभी तक हमें एक पेयर मिल चुका है किसका किसका मिल चुका है तो सी का पेयर मिल चुका हमें किसके साथ में आई के साथ में इसके आगे अगर हम बात करें ओ की तो पंद्रह के बाद में सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस और इक्कीस से बड़ा कोई भी यहाँ पे आपको नंबर दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि आगे बीस से बड़ा ही नंबर आपका नहीं था तो आगे काउंटिंग करने की जरूरत नहीं थी फिर अगर हम बात करें तो तेरह के बाद में यहाँ पे चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस यानी कि एम का पेयर किसके साथ बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको टी के साथ में बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो क्या इसके आगे हम काउंटिंग करेंगे तो इसके आगे हम काउंटिंग नहीं करेंगे क्यों क्योंकि बीस से बड़ी प्लेस वैल्यू वाला नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है और रही बात रीजन की तो रीजन भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको इस क्वेश्चन में कि ऐसा क्यों करते हैं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तेरह के बाद यहाँ से काउंटिंग करेंगे चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और उन्नीस से बड़ा आपको कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा है फिर अगर हम बात करें इक्कीस की तो देखिए यहाँ पे रीजन समझ लीजिए कि क्यों मैं ऐसा बोलूँ कि आगे यहाँ पे कोई भी अगर इससे बड़ा एलिमेंट या इससे बड़ी प्लेस वैल्यू वाला एलिमेंट नहीं दिखाई देता है तो उससे हमें कंसिडर नहीं करना होता है पेयर में क्यों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इक्कीस के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मान लेते हैं ये यू है ये होता वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी मान लेते हैं यहाँ पे हमें मिलता बी और यहाँ पे दिया हुआ है आपका यू और यू के बाद में यहाँ पे आपको एक एलिमेंट दो एलिमेंट तीन एलिमेंट चार एलिमेंट पांच एलिमेंट छह एलिमेंट यानी यू के बाद अगर हम बात करें तो वी डब्लू एक्स वाई जेड और ए फिर आ गया आपका बी तो क्या इसे हम पेयर में कंसिडर करेंगे या फिर नहीं करेंगे तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा आ, हुआ मिल रहा है क्या अल्फाबेटिकल सीरीज अगर अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है ए से लेकर के जेड तक होती है ए से लेकर जेड तक अगर हम बात करें तो यू वाला जो आपका पार्ट था मान लेते हैं वो इस वाले सीरीज का पार्ट था इसके बाद जब आपको ए और बी मिल रहा है तो वो है तो अल्फाबेट का ही पार्ट लेकिन वो आपको इस अल्फाबेट सीरीज का पार्ट देखने को नहीं मिलेगा वो आपका एक अलग सीरीज स्टार्ट होगी जिसका ये यू पार्ट नहीं है और अगर हम बात करें यहाँ पे प्लेस वैल्यू की तो प्लेस वैल्यू के फॉर्म में भी अगर आप लिखते हैं यहाँ पे तो बी का प्लेस वैल्यू हो जाता है टू जिसका पेयर आपको इक्कीस के बाद बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस फिर यहाँ पे आपको सत्ताईस और अट्ठाईस देखने को नहीं मिलता तो जिसका पेयर आपको ऑलरेडी बनता हुआ दिखाई नहीं देता तो ये इसके पीछे का प्रमुख कारण है कि क्यों हम लोग यहाँ पे इससे बड़ी प्लेस वैल्यू का अगर एलिमेंट नहीं दिखाई दिया तो हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि एक, एक ही कंडीशन है कि छब्बीस क्या हो जाए पूरा हो जाए ट्वेंटी हो जाए उसके बाद नई सीरीज शुरू हो तो उसमें जाकर उसका पेयर बने जिसको हमें कंसिडर नहीं करना होता है क्लियर तो ऐसा क्वेश्चन अगर दिखाई देता है कोई ऐसा आपको वर्ड दिखाई देता है जहां पे लेटर्स का इस प्रकार से पेयर बनता है तो उसको आपको एग्जाम में कंसीडर नहीं करना है ठीक है चलिए तो अभी तक हम लोगों को मिल चुके हैं दो पेयर आगे की अगर हम बात करें तो हम लोग यू पे थे फिर इसके बाद हम बात करें चौदह के बाद में पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस आगे आपको कोई पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है नौ की बात अगर हम करें यहाँ पे दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह कोई पेयर यहाँ पे आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा तीन की बात अगर हम करें तो चार पाँच छः आगे सात आठ कोई पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा एक का भी यहाँ पे आपको पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बीस को काउंट नहीं करना था नौ का पेयर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा पंद्रह का यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा क्योंकि पंद्रह से बड़ा आगे नंबर नहीं है ठीक है तो अभी तक हमें कितने पेयर्स मिल गए तो अभी तक मिल गए हमें दो पेयर्स अब हम बात करेंगे राइट टू लेफ्ट की राइट टू लेफ्ट की बात करेंगे तो चौदह पंद्रह पहला पेयर तो हमें यहीं पे मिल गया तो आगे भी हम काउंटिंग देखेंगे सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस और इक्कीस से आगे बड़ा नंबर नहीं तो आगे पेयर नहीं बनेगा लेकिन एन और ओ का भी यहाँ पे आपको पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है फिर इसके बाद अगर हम बात करें जब एन का पेयर आगे नहीं बना तो ऑबेसी बात है ओ का भी पेयर यहाँ पे आगे, आगे, आगे आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा अब हम काउंटिंग करेंगे आई से तो आई के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो नौ के बाद में मिलेगा दस ग्यारह बारह तेरह चौदह यानी कि आई का पेयर किसके साथ बन रहा है एन के साथ बन रहा है तो आई का पेयर हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे एन के साथ में आगे अगर हम काउंटिंग की बात करें तो पंद्रह सोलह और यहां पे आपको पंद्रह से बड़ा नंबर आगे दिखाई नहीं दे रहा तो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी फिर बात करेंगे बीस की तो बीस के बाद मिलेगा इक्कीस और बीस से इक्कीस से बड़ा आगे आपको नंबर देखने को नहीं मिल रहा है फिर हम बात करेंगे यहां पे एक ही तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ कोई भी प्यारा यहाँ आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है फिर अगर हम यहां पे बात करें नेक्स्ट एलिमेंट हमको मिला सी यानी कि तीन के बाद अगर हम बात करें तो चार पांच छ सात आठ नौ दस कोई पेयर बनता हुआ नहीं दिखाई दिया आई की बात अगर हम करें तो नौ के बाद में दस ग्यारह बारह तेरह यानी कि आई का पेयर किसके साथ में बन रहा है एम के साथ में बन रहा है आई का पेयर किसके साथ में बन रहा है एम के साथ में इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे यहां पे एन की यानी कि चौदह के बाद में पंद्रह सोलह सत्रह अठारह कोई पेयर नहीं बन रहा फिर यहां पे हम बात करेंगे तेरह के बाद चौदह पंद्रह यानी कि एम का पेयर बन रहा किसके साथ में ओ के साथ में एम का पेयर बन रहा किसके साथ में ओ के साथ में फिर अगर हम बात करें यहां पे तेरह के बाद चौदह पंद्रह और पंद्रह के बाद तीन यानी कि कोई भी पेयर आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपको वर्ड कम्युनिकेशन में छह ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स दिखाई दे रहे हैं दो लेफ्ट टू राइट जाने पर और चार राइट टू लेफ्ट आने पर जो कि उतनी ही दूरी पर आपको देखने को मिलेंगे जितने की वो कहां देखने को मिलते हैं इंग्लिश अल्फा बेट में तो आई होप कि यहां पे आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्यों हम लोग इससे बड़े नंबर ना मिलने पर आगे की काउंटिंग नहीं करते हैं कैसे हम लोग यहाँ पे अपना टाइम बचा सकते हैं ठीक है तो ये हो गया पूरा तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का इसका एक प्रॉपर सोलूशन आप कैसे बना सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन बिना ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है तो ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है तो हम लोग केवल क्या, क्या करते हैं नंबर्स लिखते हैं और नंबर्स से हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर कितने हैं वो निकाल लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक दो तीन चार आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं मोर देन टू मोर देन थ्री इस प्रकार से तो उसको हम क्या करते हैं आसानी से आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोग अगले पूछे गए प्रश्न की अगले दी मैं प्रश्न की बात करूं तो यहां पे आपसे बोला गया है ईच कॉन्सोनेंट ऑफ द वर्ड टर्मिनेशन इज चेंज टू द नेक्स्ट सॉरी टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ठीक है यानी कि अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट्स की तो कॉन्सोनेंट्स में हमें क्या कर लेना है कॉन्सोनेंट्स में हमें माइनस वन करना है यानी कि प्रीवियस लेटर पे हमें मूव ऑन करना है तो कॉन्सोनेंट्स में हमें करना है माइनस वन और उसके बाद बोला है अल्फाबेटिकल सीरीज एंड ईच व इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज और जो वॉवल है उसको क्या करना है नेक्स्ट लेटर से चेंज कर देना है प्लस वन कर देना है और इसके बाद आपसे बोला गया है इफ द न्यू अल्फाबेट आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और ऐसा करने के बाद जो हमें न्यू अरेंजमेंट मिलता है उसे हमें क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स लेटर फ्रॉम द राइट एंड तो आपको बताना है सिक्स एलिमेंट कहाँ से राइट right एंड से तो अगर यही क्वेश्चन हमसे हम तो हम करते? करते. कैसे सॉल्व करते डायरेक्टली तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट right से सिक्स एलिमेंट कौन सा होगा बिना चेंज किए डायरेक्ट देख सकते हैं तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है टी तो दो बार यहाँ पे आपको टी देखने को मिला टी के बाद आपको तीसरा एलिमेंट मिलेगा राइट right एंड से कौन सा आर आर के बाद अगर हम बात करें तो आपको कौन सा मिलेगा ओ यानी कि चार एलिमेंट हो गए फिर पांचवा एलिमेंट मिलेगा एन और यहाँ पे छठवा एलिमेंट भी मिलेगा आपको एन तो अगर हम बात करें छठवें एलिमेंट की तो छठवा एलिमेंट आपका क्या है एन है जो कि क्या है कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट में हमें, हमें क्या करना था माइनस वन करना था तो माइनस वन करेंगे यानी कि प्रीवियस लेटर की हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे एम अगर ये ऑप्शन के साथ होता तो हम इसको डायरेक्टली इस प्रकार से क्या करते सॉल्व करते और आंसर मार्क करते ठीक है जो कि एक स्मार्ट बच्चे का अप्रोच होता है एग्जाम हॉल में अब यहां पे हमें ऑप्शन नहीं दिया तो हम इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन बना करके क्या करना है दिखाना है जिसको बच्चे क्या करते हैं प्रिलिम्स में फॉलो करते हैं जो कि आपको बिल्कुल फॉलो करने की जरूरत नहीं थी आप इस प्रकार से डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं तो हम बात करें अगर कर दो से ढाई मिनट में बनने वाले क्वेश्चन को आप इन थर्टी सेकंड आप आसानी से क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ बना करके आ सकते हैं रही बात रीजन की कि ऐसा ये क्यों हो रहा है यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को क्यों नहीं मिल रहे हैं? और चेंजेस देखने को मिलते हैं तो किन परिस्थितियों में मिलते हैं इसको भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो आप जा करके डिटेल्ड जो अल्फाबेट पर सेशन है उसको आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आप, आप आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो प्रॉपर हमें सोल्यूशन बनाना है वो कैसे बनाना है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले पूरा का पूरा वर्ड टर्मिनेशन और देखेंगे कि आपको आंसर सेम मिलता हुआ दिखाई देगा अगर आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो भी टर्मिनेशन टी आई ओ एन चलिए तो सबसे पहले यहां पे अगर हम बात करें टी क्या कॉन्सोनेंट है तो बीस है तो क्या हो जाएगा उन्नीस ये पांच है तो हो जाएगा छह ये अट्ठारह है तो हो जाएगा सत्रह ये तेरह है तो हो जाएगा बारह ये नौ है तो हो जाएगा दस ये चौदह है तो हो जाएगा तेरह ये एक है तो हो जाएगा दो ये बीस है तो हो जाएगा उन्नीस ये नौ है तो हो जाएगा दस और ये पंद्रह है तो हो जाएगा सोलह और ये चौदह है तो हो जाएगा तेरह तो अगर हम बात करें यहाँ पे वोवेल में आप देख सकते हैं क्लियरली कि ई से हो गया एफ आई से हो गया जे ए से हो गया बी आई से हो गया जे बाकी अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो एम एन यहाँ पे ओ से हो जाएगा पी अच्छा ये वोवेल है ठीक है फिर हम बात करें तो एस टी फिर हम बात करें तो एम एन फिर हम बात करें तो एल एम फिर हम बात करें तो क्यू आर और फिर हम बात करें तो एस टी ठीक है अब यहाँ पे इसको हमें क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे जो छोटा हमें प्लेस वैल्यू वाला एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है यहां पे हमें बी इसको और अगर आप चाहते हैं एक्यूरेसी के साथ बनाना तो यहाँ पे अगर आप इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख ले लेंगे तो आपके लिए ज्यादा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा क्लियर चलिए अब सबसे छोटा नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटा नंबर आपको दिखाई दे रहा है दो यानी कि यहां पे हम लिख लेंगे क्या बी फिर उससे बड़े नंबर की बात करें तो दिखाई दे रहा है सिक्स तो हम लिख लेंगे यहां पे क्या एफ सिक्स से बड़े नंबर की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है टेन और टेन कितनी बार दिखाई दे रहा है टू टाइम्स दिखाई दे रहा है तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे जे एंड अगेन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जे यानी कि ये कैंसिल और ये कैंसिल टेन से बड़े नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ट्वेल्व यानी कि प्लेस वैल्यू किसकी होती है एल की तो ये भी कैंसिल ट्वेल्थ के बाद करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है थर्टीन जो कि दो बार आपको देखने को मिल रहा है जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी एम की थर्टीन के बाद अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है सिक्सटीन जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी पी की सिक्सटीन के बाद आपको दिखाई दे रहा है सेवनटीन जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी क्यू की और सेवनटीन के बाद आपको दिखाई दे रहा है नाइनटीन जो कि प्लेस वैल्यू होती है किसकी एस की जो कि दो बार आपको देखने को मिल रहा है तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड से जो आपका छठवा एलिमेंट होगा ये हो गया एक ये हो गया दो ये हो गया तीन ये हो गया चार ये हो गया, गया छः तो भी आपको छठवा एलिमेंट क्या देखने को मिल रहा है एम ही देखने को मिल रहा है जिसको हम लोगों ने विद इन थर्टी सेकंड कैसे सॉल्व करना है अगर आपके पास ऑप्शन है तो इसको भी हम लोगों ने अप्रोच को यहाँ पे डिस्कस किया क्लियर तो ये हो गया आपका प्रॉपर सॉल्यूशन जो आपको एग्जाम हॉल में बनाना होगा अगर आपको मेन्स में अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलता है तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अगले पूछे गए प्रश्न की

यानी कि अगर हम बात करें यही क्वेश्चन ऑप्शन के साथ होता तो इसको हम डायरेक्ट ही क्या कर सकते थे बना सकते थे यानी कि अगर हम वॉवल की बात करें तो वॉवल यहाँ पे केवल और केवल आपको आई ओ और ई तीन ही वॉवल आपको देखने को मिल रहे हैं जबकि बात करें ए और यू आपके यहाँ पे क्या है मिसिंग है तो सबसे पहले तो आपका ई e देखने को मिलेगा फिर उसके बाद आपको आई और आई देखने को मिलेगा फिर ओ और ओ देखने को मिलेगा यानी कि एक बार ओ तो आपका यहाँ पे हो जाएगा एलिमेंट जो कि क्या है रिपीट है इसके बाद हम बात कर लेंगे कॉन्सोनेंट्स की तो सबसे पहले आ जाएगा सी सी के बाद आपको देखने को मिलेगा ओके okay. तो डायरेक्ट ही अगर आप इसको बनाना चाहें तो डायरेक्ट ही आप इसको बना सकते थे लेकिन यहाँ पे हम बात करें किसकी मेन्स के एग्जाम की जहाँ पर आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे ऑप्शन नहीं होंगे तो क्या करना हमें फटाफट यहाँ पे अप्रोच फॉलो जो करना है उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्ड इंट्रोस्पेक्शन की नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो चार चार आठ चार बारह और एक तेरह यहाँ पे चार चार आठ चार बारह और एक तेरह ठीक है अब सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि वोवेल्स को आपको लगाना है कहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्टिंग में और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको बोला दिन कॉन्सोडेंट्स आर अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो बचे हुए कॉन्सोन्ट हैं उनको भी आपको क्या करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है और बताना है ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनका पोजिशन क्या है अनचेंज है जो उस उसी स्थान पर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे वो पहले आपको देखने को मिल रहे थे तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पे आपको देखने को मिलेगा हालांकि यहाँ पे हम लोग प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जिससे क्या होता है मिस्टेक होने के चांसेस हमारे रेड्यूज हो जाते हैं और चूंकि मेन्स में आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन लिखना है तो आप ये काम कर सकते हैं क्लियर अब यहाँ पे हम बात करेंगे केवल वॉवल की वॉवल की प्लेस वैल्यू में पता है क्या क्या होती है तो पाँच होती है नौ होती है पंद्रह होती है इक्कीस होती है और एक होती है ठीक है तो एक पांच नौ पंद्रह इक्कीस ये आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे आपको पांच देखने को मिल रहा है तो पांच आपको एक ही बार देखने को, तो को मिल रहा है तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे ई यानी कि पांच वाला हो गया कैंसिल फिर यहाँ पे आपको नौ देखने को मिल रहा है कितनी बार दो बार तो यहाँ पे हम लोग दो बार लिखेंगे क्या आई जहां जो लिखा हुआ है तो वहीं पर उसको लिखते हैं ताकि बाद में हमें मैच ना कराना पड़े तीसरे नंबर पर मिल गया आपको आई आई भी कैंसिल फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो पंद्रह पंद्रह आपको दो बार देखने को मिल रहा है तो पंद्रह भी यहां पे हो गया आपका कैंसिल और हम लोग दो बार लिख लेते हैं यहाँ पे ओ और यहाँ पे ओ आपका उसी पोजीशन पे आया है जहां पे आपको पहले देखने को मिल रहा था तो ये हो गया आपका एक एलिमेंट ठीक है अब हम बात करेंगे बचे हुए नंबर की तो बचे हुए नंबर में सबसे छोटा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको क्या तीन यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका सी और ये भी हो गया तो इसको हम लोग कर देते हैं कैंसिल अब इसके बाद जो आपके पास नंबर बचे हुए उनमें सबसे छोटा नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है फोर्टीन जो कि कितनी बार आया है दो बार आया है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एन और यहां पे हम लोग लिखेंगे एन इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपको नंबर दिखाई दे रहा है, क्या सिक्सटीन यानी कि 16 के बाद अगर हम बात करें तो, तो आपको दिखाई दे रहा है एटीन यानी कि आर एटीन के बाद आपको 19 दिखाई दे रहा है कितनी बार दिखाई दे रहा है तो नाइनटीन को मिल रहा है तो 19 को भी हम लोग करते हैं कैंसिल जो कि हो जाएगा एस और इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है ट्वेंटी जो कि आपको दो बार देखने को मिल रहा है तो यहां पर हम लोग लिखते हैं टी और टी तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे वर्ड इंट्रोस्पेक्शन में एक ही लेटर ऐसा था जो कि आपको उसी पोजीशन पे देखने को मिला कब जब हमने वॉवल्स को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया और फिर इनमें दिए गए कॉन्सरेंट्स को हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया तो आप देख सकते हैं कि केवल और केवल एक एलिमेंट है जो कि क्या है आपका ओ जो कि उसी पोजिशन पे देखने को मिल रहा है इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो कि आपको पहले देखने को मिल रहा था फिफ्थ पोजिशन पे लेफ्ट हैंड से अभी भी वो आपको फिफ्थ पोजिशन पे देखने को मिल रहा है लेफ्ट एंड से क्लियर तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा एक एलिमेंट ऐसा है जो कि आपको उसी पोजिशन पर देखने को मिलेगा और वो एलिमेंट कौन है तो वो एलिमेंट है आपका ओ चलिए बात करते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगले अगर हम प्रश्न की बात करें तो बोला है इफ इन वर्ड एक्सटिंक्शन ऑल द वॉवल्स आर चेंज टू देयर नेक्स्ट लेटर यानी कि अगेन हम यहां पे बात करें तो वॉवेल में क्या करना है प्लस वन करना है वाइल ऑल द कॉन्सोनेट्स आर चेंज टू देयर प्रीवियस लेटर कॉन्सोनेट्स में क्या करना है माइनस वन करना है

दूसरा एलिमेंट बनेगा उनके बीच हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने आपको लेटर्स देखने को मिलते हैं यानी कि अगर हम बात करें तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व तो किया था लेकिन यहाँ पे आपसे जो जानकारी पूछी जा रही है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तो इसको आप डायरेक्टली कैसे बनाएंगे सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है क्या इफ ऑल द वॉवल्स आर चेंज टू देयर नेक्स्ट लेटर यानी कि वॉवल में अपने को क्या करना था प्लस वन करना था तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो थर्ड एलिमेंट होगा आपका लेफ्ट हैंड से और जो सेकंड एलिमेंट होगा आपका वो राइट right हैंड से वो क्या होने वाला है तो राइट हैंड की अगर हम बात करें जैसा कि हमने इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाया है तो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाला लेटर जो है वो क्या हो जाएगा राइट मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा तो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू वाला जो लेटर आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है एक्स यानी कि एक्स की बात करें तो एक्स राइट मोस्ट एलिमेंट हो गया और सेकंड नंबर पर आपका आया टी और टी क्या है कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट में हम कर लेंगे माइनस वन यानी कि मिल जाएगा हमें जिस जिसकी प्लेस वैल्यू होती है नाइनटीन अब लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट की बात करें तो सबसे छोटी प्लेस वैल्यू वाला जो लेटर होगा वो क्या हो जाएगा फर्स्ट लेटर हो जाएगा कहां से फ्रॉम द लेफ्ट एंड जो कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्या सी सी के बाद अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है क्या ई e. ई e के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आई तो आई में जब आप प्लस वन करेंगे आई क्या है वोवेल आई में प्लस वन करेंगे तो आपको मिलेगा जे जिसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है दस और यही आपसे पूछा गया कि इंग्लिश अल्फाबेट में जे और एस के बीच में कितने एलिमेंट होते हैं तो ऑर्डर रैंकिंग इसको हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया था कि जब दो बंदों की पोजीशन एक ही एंड से हमें पता हो यानी कि इसकी पोजीशन है दस इसकी पोजीशन है उन्नीस तो जो दोनों का क्या होगा डिफरेंस होगा डिफरेंस यहाँ पे कितने का देखने को मिल रहा है नौ का तो यहाँ पे इनके बीच में एलिमेंट कितने होंगे आठ तो आप इसका डायरेक्टली आंसर बना सकते थे आठ लेकिन यहाँ पे हमें ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को नहीं बनाना है तो ये हो गया अप्रोच डायरेक्ट बनाने का आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एक्सटिंक्शन, ठीक है ई e में क्या करना है प्लस वन करना है तो ये हो जाएगा आपका एफ फिर एक्स में माइनस वन करना है तो ये चौबीस है तो हो जाएगा तेईस बीस है तो हो जाएगा उन्नीस नौ है तो हो जाएगा दस चौदह है तो हो जाएगा तेरह तीन है तो हो जाएगा दो बीस है तो हो जाएगा उन्नीस नौ है तो हो जाएगा दस पंद्रह है तो हो जाएगा सोलह और चौदह है तो हो जाएगा तेरह क्लियर प्लेस वैल्यू की बात करें तो छः तेईस उन्नीस दस तेरह दो उन्नीस दस सोलह और तेरह सबसे छोटी प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दो जो कि किसकी है बी की प्लेस वैल्यू तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बी इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिक्स जो कि प्लेस वैल्यू किसका है एफ का है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एफ ये भी हो गया कैंसिल इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें लेफ्ट हैंड से कौन सा एलिमेंट बोला गया था तो हमें बोला गया था हाउ मिन लेटर्स आर देयर बिटवीन दैट आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड वाला हमें थर्ड लेना था तो अगर इसके बाद हम बात करें तो हमें एलिमेंट दिखाई दे रहा है जे जो कि दस uh, जो कि किसकी प्लेस वैल्यू है जे की तो ये हो गया जे तो चाहो तो आप यहीं तक लिख सकते हो मेंस के लिए भी आप यहीं तक सोल्यूशन लिखोगे तो भी आपका चले क्योंकि आपको जो थर्ड एलिमेंट चाहिए था वो यहाँ पे आपको मिल चुका है ठीक है और अगर इसको पूरा आप करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है दस के बाद जो आपको एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपको तेरह जो कि प्लेस वैल्यू किसकी एम की, की। यहाँ पे भी एम यहाँ पे भी एम इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सिक्सटीन जो कि प्लेस वैल्यू किसकी पी की फिर अगर हम बात करें 16 के बाद आपको दिखाई दे रहा है 19 जो कि प्लेस वैल्यू है किसका एस का और एट लास्ट आपको दिखाई दे रहा है ट्वेंटी जो कि प्लेस वैल्यू किसका डब्ल्यू का तो राइट हैंड से अगर आपको सेकेंड एलिमेंट पूछा गया तो राइट हैंड से सेकेंड एलिमेंट है आपका क्या एस और लेफ्ट हैंड से थर्ड एलिमेंट आपसे पूछा गया तो वो है जे और जे और एस की बात करें तो जे और एस के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट में कितने एलिमेंट्स आते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट में आते हैं एट एलिमेंट्स या आप बोल सकते हैं एट लेटर्स क्लियर तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा देयर आर एट लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन जे एंड एस क्लियर चलिए बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की अगले दिन मैं यहां पे प्रश्न की बात करूं तो बोला है इफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स इन द वर्ड डिप्रेशन ठीक है वर्ड इंटरचेंज यानी कि फर्स्ट को इंटरचेंज करें किसके साथ में सेकंड के साथ में ऑल्सो द थर्ड एंड द फोर्थ लेटर्स द फिफ्थ एंड द दिक्सथ लेटर्स एंड सो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट तो आपको बताना है कि राइट right एंड से सेवेंथ एलिमेंट कौन सा होगा तो यहाँ पे भी हम लोग ऑर्डर एंड और रैंकिंग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जैसे वर्ड डिप्रेशन की हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तो चार दो छह चार दस यानी कि यहाँ पे आपको दस एलिमेंट टोटल देखने को मिल रहा है और अगर हम बात करें दस एलिमेंट देखने को मिल रहा है राइट एंड से सेवंथ एलिमेंट आपसे पूछा गया तो जो राइट right एंड से सेवंथ एलिमेंट है उसकी पोजिशन लेफ्ट एंड से अगर हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी फोर्थ हो जाएगी और अगर यहाँ पे हम बात करें फोर्थ एलिमेंट की तो फर्स्ट को इंटरचेंज किया जा रहा है किसके साथ में सेकेंड के साथ में तो थर्ड को इंटरचेंज किया जाएगा किसके साथ में फोर्थ के साथ में तो फोर्थ नंबर पर आपको मिलेगा पी जो कि आप डायरेक्ट बना सकते थे लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट नहीं बनाना है यहाँ पे आपको क्या करना है पूरा इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाना है तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं क्लियर तो यहाँ पे हो जाएगा ये ई ये हो जाएगा डी ये हो जाएगा आर ये हो जाएगा पी ये हो जाएगा एस ये हो जाएगा ई e हो जाएगा आई ये हो जाएगा एस ये हो जाएगा एन ये हो जाएगा ओ और यहाँ से अगर हम बात करें राइट एंड से सेवेंथ एलिमेंट की तो दो तीन चार पाँच छः और सात यानी कि आंसर क्या आ जाएगा पी जिसको डायरेक्ट हम लोग बना सकते थे ठीक है बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की अगले की हम प्रश्न की बात करें तो बोला है इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑल द लेटर्स एट ऑड नंबर पोजिशन क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा ध्यान से समझने का इसको प्रयास करेंगे तो बोला है इफ इन इंग्लिश अल्फाबेट ऑल द लेटर्स एट ऑट नंबर पोजिशन वर रिटर्न इन सीरियल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉलोड बाय द लेटर्स एट इवन नंबर पोजिशन रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो ऑर्ड नंबर पोजीशन पे ऑर्ड नंबर पोजीशन की बात करें तो एक तीन पांच सात इस प्रकार से जो प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स हैं सबसे पहले उनको हमें क्या करना है लेफ्ट टू तो राइट अरेंज करना है और उसके बाद जो कह सकते हैं आप रिमेनिंग बच गए यानी कि इवन नंबर वाले जो लेटर्स बच गए इन लेटर्स को लिखने के बाद में हमें उन्हें क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में इसके आगे अरेंज करना है यानी कि अगर हम बात करें इसको प्रॉपर लिख करके दिखाएं तो ये इस प्रकार से बनेगा एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह फिर पंद्रह फिर सत्रह फिर उन्नीस फिर इक्कीस फिर तेईस और फिर पच्चीस। और इसके बाद जो आपके बच गए उनको क्या करना था रिवर्स ऑर्डर में लिखना था यहाँ तक हो गए आपके कितने थर्टीन एलिमेंट और जो बच गए उनको रिवर्स ऑर्डर में यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो छब्बीस फिर हम बात करें तो चौबीस फिर हम बात करें तो बाईस बीस अट्ठारह सोलह चौदह बारह फिर हम बात करें तो दस आठ छः चार और दो तीन तीन छ तीन नौ चार तेरह यानी कि थर्टीन एलिमेंट यहां हो गए थर्टीन एलिमेंट यहां हो गए इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कैसे कर सकते थे उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेकिन पहले यहां पे जिस प्रकार आप से आपसे पूछा है उसको आप अरेंज कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर आगे की अगर हम बात करें तो यहां पे आपसे पूछा है विच लेटर विल बी सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ सेवनटीन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड हमने आपको बताया था ऑर्डर रैंकिंग में जब हम बात करेंगे लेफ्ट प्लस लेफ्ट की तो वैल्यू माइनस होकर के मिलती है और किस एंड से मिलती है तो लेफ्ट एंड से आपको देखने को मिलती है क्लियर ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है कहा ऑर्डर एंड रैंकिंग में चलिए अब बात करेंगे कि यहां पे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए आगे हमें किस प्रकार से यहां पे निकालना है तो यानी कि जब हमने कहा कि सेवनटींथ लेटर जाएंगे हम कहां पे लेफ्ट हैंड से और उससे सिक्स लेटर सिक्स एलिमेंट हमें लेफ्ट का चाहिए तो यानी कि हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए तो हमें चाहिए ग्यारहवां एलिमेंट कहाँ से चाहिए ग्यारहवां एलिमेंट तो हमें लेफ्ट हैंड से चाहिए तो हमें पता है फर्स्ट हाफ में कितने थे तेरह थे तो तेरह के बाद ये मिलेगा बारह और ये हो जाएगा ग्यारह यानी कि आंसर इसका क्या बनेगा यू ग्यारहवां एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा किधर से लेफ्ट हैंड से दूसरा तरीका इसका जो आप इसको क्या कर सकते थे ओरली बना सकते थे तो ये तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट हमें चाहिए ग्यारहवां एलिमेंट चाहिए कहाँ से लेफ्ट हैंड से और फर्स्ट हाफ में कितने एलिमेंट होंगे तेरह एलिमेंट होंगे ये भी हमें पता चल जाएगा लेकिन हमें ग्यारहवा एलिमेंट कौन सा होगा ये कैसे पता चलता है इसको हम लोग ओरली कैसे बना सकते थे अगर ये क्वेश्चन हमसे किसके साथ पूछा जाता ऑप्शन के साथ पूछा जाता, साथ पूछा जाता तो तो पे आपका अप्रोच क्या होगा आप इस प्रकार से एक सीरीज लिखेंगे। सीरीज लिखेंगे में अगर हम बात करें सेन्थ एलिमेंट की तो तेरह के बाद जोड़ेंगे चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ये हो जाएगा सत्रहवा एलिमेंट और सत्रहवें एलिमेंट से अगर हम बात करें सिक्स एलिमेंट की तो एक दो तीन चार पांच छह तो सिक्स एलिमेंट आपको लेफ्ट में आएंगे तो कौन सा मिलेगा यू मिलेगा तो ये हो गया आपका प्रॉपर सोल्यूशन अब इसको डायरेक्ट कैसे बनाते थे इसको भी बना सकते हैं इसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्लेस वैल्यू तो एक ही प्लेस वैल्यू कितनी हो गई एक सी की हो गई तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह पंद्रह फिर बात करें तो सत्रह उन्नीस इक्कीस तेईस और पच्चीस ये हो गए इनकी क्या प्लेस वैल्यू जबकि इनकी हम पोजिशनल वैल्यू की बात करें तो पोजिशनल वैल्यू देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और तेरह अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सीरीज इस पर्टिकुलर अगर हम सीरीज के अकॉर्डिंग इनकी पोशनल वैल्यू देखें जो कि इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू पोर्शनल वैल्यू भी आपको दोनों सेम ही देखने को मिलेगा क्योंकि आपको जो पोशनल वैल्यू उसी को हम लोग प्लेस वैल्यू बोलते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए एक का डबल होता है दो दो में से एक घटाओगे तो मिल जाएगा एक दो का डबल होता है चार चार में से एक घटाओगे तो मिल जाएगा तीन तीन का डबल होता है छः छः में से एक घटाओगे तो मिल जाएगा पांच चार का डबल होता है आठ आठ में से एक घटाओगे तो मिल जाएगा सात पांच का डबल होता है दस दस में से एक घटाओगे तो मिल जाएगा नौ इसी प्रकार हमें चाहिए था कौन सा एलिमेंट ग्यारहवा एलिमेंट चाहिए था तो ग्यारह का डबल होता है बाईस बाईस में से एक घटाओगे तो हो जाएगा इक्कीस और इक्कीस प्लेस वैल्यू होती है यू की जिसको हम लोग डायरेक्ट अगर ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछा जाता तो हम यहाँ पे आसानी से आंसर मार्क कर सकते थे ठीक है दोनों ही अप्रोच यहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया बात कर लेते हैं अगले पूछे गए प्रश्न की तो अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आपसे तीन से चार पाँच क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में करना क्या होगा यहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपके पास हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है तो हम लोग यहाँ पे हिंदी वाले को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का शिकायत अब तक आ चुका होगा कि सर आपने क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ा हिंदी में सॉल्व नहीं किया जो भी क्वेश्चन तो में आपके पास लिखे हुए थे, तो आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चलिए तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले प्रश्न की तो बोला है यदि शब्दों के सभी अक्षरों को शब्दों के भीतर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो सरों से शुरू होने वाले कितने शब्द होंगे तो दोनों ही अप्रोच यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगर हम बात करें आपके बैंकिंग के एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जहां पे आपको पांच नंबर तक के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और अगर हम बात करें तो कैसे विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसके ऊपर भी हम लोगों ने बैंकिंग के जो आपके सेशन है जो पैकेजेस वहां पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चलिए तो so, यहाँ पे हमें चूंकि डिटेल में लिखना है तो एक दो क्वेश्चन को डिटेल में देखते हैं फिर इसके बाद केवल और केवल मैं यहाँ पे आपको अप्रोच बताऊंगा तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है तो अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो बोला जा रहा है यदि शब्दों के सभी अक्षरों को शब्दों के भीतर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए विद इन द वर्ड यानी कि अगर हम बात करें वर्ड पेन uh, की तो यहाँ पे हमको किस प्रकार से लिखना है ए लिखना है फिर एन लिखना है फिर पी लिखना है ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है विद इन द वर्ड तो यहाँ पे बोला है कि इस प्रकार कितने ऐसे वर्ड होंगे जो वॉवल से स्टार्ट होंगे तो ऑब्स की बात है जहां वॉवल की वैल्यू सबसे छोटी होगी वर्ड में वही वाले वर्ड आपके क्या होंगे वॉवल के साथ में शुरू होंगे जैसे कि यहाँ पे वॉवल तो है लेकिन ये वॉवल के साथ में शुरू नहीं होगा तो यानी कि यहाँ पे बनेगा एन आर और यू यहाँ पे बनेगा ए एस और वाई ये हो जाएगा आपका एल ओ और डब्ल्यू और ये हो जाएगा ए सी आर तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दो ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके वॉवेल के साथ में क्या हो रहे हैं शुरू हो रहे हैं यानी कि अगर हम बात करें सॉरी दो नहीं यहाँ पे तीन ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके वॉवल के साथ में शुरू हो रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा तीन ऐसे वर्ड हो जाएंगे यानी कि पैन से और कार यानी कि पांच में से तीन ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके वोवेल के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अगर हम बात करें डायरेक्टली बनाने की तो जहां वोवेल की प्लेस वैल्यू सबसे छोटी होती गिवन वर्ड्स में वही वाले वर्ड आपके क्या होते शुरू होते तो डायरेक्टली अगर ऑप्शन होता तो आप तीन यहाँ पे मार्क कर सकते थे लेकिन अभी आपको इस प्रकार से यहाँ पे बनाने की आवश्यकता है अगले दिन हम क्वेश्चन की बात करें तो बोला जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार शब्दों के सभी व्यंजनों को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए तो कितने शब्द में एक से अधिक स्वर होंगे यानी कि अगर हम सारे कॉन्सोडेंट्स को क्या कर दें रिप्लेस कर दें बाय प्रीवियस लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट तो यहाँ पे कितने ऐसे वर्ड बचेंगे जिनकी जिनमें आपके वॉवल की संख्या क्या हो जाएगी एक से ज्यादा हो जाएगी जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें सोलह है तो सोलह में से एक घटाओगे तो बनेगा पंद्रह जो कि किसकी वैल्यू होती है okay. ओकी तो एक से ज़्यादा वॉवल मिल चुका तो आगे वाले को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं थी लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करते हैं तो एन का यानी कि ये बनेगा ओ ए और एम इसकी बात करें तो ये बनेगा सत्रह और तेरह इसकी बात करें तो ये बनेगा अट्ठारह और चौबीस इसकी बात करें तो ये बनेगा आपका बाईस और ग्यारह और इसकी बात करें तो ये बनेगा दो और सत्रह तो अगर वर्ड्स की बात करें जिनमें एक से अधिक वॉवल देखने को मिला तो ऐसा आपके पास यहाँ पे केवल और केवल वर एक वर्ड ही देखने को मिल रहा है जिनमें वॉवल की संख्या क्या है एक से अधिक है कब जब हमने इनमें पूछे गए वर्ड्स में जो भी लेटर्स यहाँ पे आपके दिए गए थे उनके कॉन्सोनेट्स को हमने रिप्लेस कर दिया बाय द प्रीवियस लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ठीक है अगले यदि यहाँ पे हम प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है यदि शब्द को शब्द के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दाएं छोर से चौथा होगा तो अगर यहाँ पे पांच एलिमेंट है तो जो दाएं छोर से चौथा होगा अब इसी बात है वो बाएं छोर से क्या होगा दूसरा होगा तो बाएं छोर से पहले एलिमेंट की बात करें तो हो जाएगा सी ए आर और अगर हम बात करें दूसरे एलिमेंट की तो हो जाएगा आपका ओ डब्ल्यू एल बाएं छोर से अगर हम बात करें दूसरे एलिमेंट की तो यहाँ पे सबसे छोटे प्लेस वैल्यू वाला लेटर जो है आपको देखने को मिल रहा है वर्ड का पहला लेटर वो मिल रहा है आपको सी दूसरा मिल रहा है आपको यहाँ पे ओ तीसरे की बात करें तो मिलेगा पी चौथे की बात करें तो मिलेगा आर और पांचवे की बात करें तो मिलेगा एस इसका अगर हम प्रॉपर अरेंजमेंट बनाएंगे तो यह इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा सी ए आर फिर इसके बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे देखने को ओ डब्ल्यू एल फिर मिल जाएगा पी ए एन फिर देखने को मिल जाएगा हमें यहां पे आर यू एन और एस ए वाई और राइट एंड से चौथे की बात करें तो आप देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा आपका ओ डब्ल्यू एल ठीक है चलिए देख लेते हैं यहां पे अगला क्वेश्चन अगले यहां पे हम क्वेश्चन की बात करें तो बोला है यदि प्रत्येक शब्द के सभी अक्षरों को शब्द के भीतर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लगाते हैं कैसे विद इन द वर्ड यानी कि ये हो जाएगा ए एन पी ये हो जाएगा आपका एन आर यू ये हो जाएगा आपका ए एस वाई दिस वन विल बी एल ओ डब्ल्यू और ये हो जाएगा आपका ए सी आर आगे की अगर हम बात करें तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे कितने ऐसे अक्षर हैं जिनकी पोजीशन क्या होगी आपकी सेम देखने को मिलेगी तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं देखने को मिला यहाँ पे भी नहीं मिला यहाँ पे भी आपको y एक ऐसा एलिमेंट था जो कि सेम पोजीशन पे देखने को मिला यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोई आपको देखने को नहीं मिला जबकि यहाँ पे बात करें तो r आपको सेम पोजीशन पे देखने को मिला यानी कि आंसर की अगर हम बात करें तो कितने ऐसे आपके लेटर्स हैं जिनका पोजीशन आपका चेंज नहीं हुआ तो आपके यहाँ पे दो ऐसे लेटर है वाई और आर जिनकी पोजिशन में आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला बात कर लेते हैं यहाँ पे पूछे गए अंतिम प्रश्न की अगर हम बात करें यहां पे लास्ट क्वेश्चन की तो बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार दाए छोर से पहले शब्द अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार दाएं छोर से पहले शब्द के पहले अक्षर दाएं छोर से पहले शब्द के पहले अक्षर यानी कि सी और बाएं छोर से दूसरे शब्द के तीसरे अक्षर बाएं छोर से दूसरा शब्द हो गया ये और इसका तीसरा अक्षर हो गया एन यानी कि एन के बीच कितने अक्षर हैं तो तीन हो गया और ये हो गया चौदह दोनों के डिफरेंस की बात करें तो कितना हो गया ग्यारह हो गया और बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिलेंगे तो दस आपको एलिमेंट्स मिलेंगे तो यानी कि सी के बाद अगर हम बात करें तो डी ई एफ जी एच पांच हो गए फिर उसके बाद आई जे के एल एम पांच दस एलिमेंट हो गए यानी कि सी और एन की बात करें तो इनके बीच में दस ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट में देखने को मिलेंगे तो इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं अब बात कर लेते हैं उन प्रश्नों की जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अल्फाबेट टेस्ट पर बेस्ड ठीक है चलिए फटाफट से देखते हैं उन क्वेश्चन को यह हो गया इंग्लिश में इसका आप लोग स्क्रीन ले सकते हैं जिनको भी क्वेश्चन इंग्लिश में चाहिए वर्ड चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें तो सी जी पी एस सी दो में पूछा गया प्रश्न है लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स आर अरेज एल्फाबेटिकली देन फाइंड द नंबर ऑफ लेटर्स हुट तरीका मैंने बता दिया है एग्जाम का अप्रोज भी फटाफट से देख लीजिए तो अगर हम बात करें यहां पर वर्ड क्या आपका मैथमेटिक्स क्या करना यहां पर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेन्ज करना है तो मैंने कहा सुविधाजनक बनाने के लिए फटाफट से इसको हम लोग लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू तो सबसे छोटा जो आपका एलिमेंट हो जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा ए जो कि आपको दो बार देखने को मिल रहा है यानी कि वन वन हो गया कैंसिल फिर आपको मिलेगा सी देखने को जो कि प्लेस वैल्यू है जिसकी थ्री फिर आपको देखने को मिलेगा फाइव फिर अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा नाइन सॉरी एट फिर आपको देखने को मिलेगा नाइन फिर अगर हम बात करें नाइन के बाद तो नाइन के बाद आपको देखने को मिलेगा थर्टीन जो कि आपको दो बार देखने को मिल रहा है फिर आपको देखने को मिलेगा नाइनटीन और फिर आपको देखने को मिलेगा ट्वेंटी जो कि आपको दो बार देखने को मिल रहा है चलिए कोई नहीं मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको क्या नंबर तो नंबर लिख दिया है तो कोई नहीं ऊपर इसको हम लोग लिख लेते हैं ए सी ई एच आई फिर थर्टीन होता है एम के लिए अगेन थर्टीन एम के लिए फिर आपको मिला नाइनटीन एस के लिए ट्वेंटी टी के लिए और ट्वेंटी टी के लिए यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट यानी कि ए की बात करें तो ए आपका ऐसा एक एलिमेंट है जिसका पोजीशन आपको अनचेंज देखने को मिल रहा है या वही पोजीशन देखने को मिल रहा है जो कि आपको पहले वर्ड मैथमेटिक्स में देखने को मिल रहा था जो कि इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको देखने को मिल रहा है इसके अलावा अगर हम बात करें तो सारे जो आपके लेटर्स हैं उनका पोजीशन आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है यानी कि कोई भी ऐसा लेटर नहीं जो कि आपको उसी पोजीशन पे मिल रहा है जो कि पहले वर्ड मैथमेटिक्स में आपको देखने को मिल रहा था ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोला इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिवर्स्ड एंड देन सेकेंड हाफ इज़ केप्ट अनट विच ऑफ द थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ विच इज थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ठीक है तो अगर हम बात करें फर्स्ट हाफ तो फर्स्ट हाफ में होते हैं ए से लेकर के एम तक के एलिमेंट और सेकेंड हाफ की बात करें तो होते हैं एन से लेकर के जेड तक के एलिमेंट तो बोला है फर्स्ट हाफ को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा आपका ए और सेकेंड हाफ इज अनटच्ड बोला है तो ये हो जाएगा एन टू जेड फिर उसके बाद आपसे पूछा है यहां पे विच इज द थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द सीरीज समझिए बात को सेवेंथ लेटर अगर हम बात करें यहां पे सेवेंथ लेटर से कहा जाना हमें थर्ड लेटर टू द राइट ऑफ सेवंथ लेटर यानी कि जब हम बात करेंगे किसकी लेफ्ट प्लस राइट की तो वैल्यू होती है यहां पे क्या प्लस में और आंसर मिलता हमें किस है किस एंड से लेफ्ट एंड से तो जब हम बात करेंगे यहां पे सेवेंथ से थर्ड जाएंगे तो एलिमेंट हमें कौन सा चाहिए होगा टेंथ एलिमेंट चाहिए होगा

तीन दो और एक ठीक है अब यहाँ पे अगर बात करें हम सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात सेवेंथ एलिमेंट हो गया ये अब सेवेंथ एलिमेंट के बाद हमें कहा जाना है थर्ड टू द राइट यानी कि ये हो गया एक दो और तीन तो थर्ड टू द राइट में कौन मिल गया आपको डी मिल गया तो यहीं से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं बाकी पूरा सोल्यूशन आपको कैसे बनाना है पूरा सोल्यूशन मैंने बता दिया कि यहाँ पर हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ठीक है ये इसका हो जाएगा पूरा एक प्रॉपर सोल्यूशन अगर आपसे पूछता है फर्स्ट हाफ को अगर हम क्या कर देते हैं रिवर्स कर देते हैं तो कौन सा एलिमेंट आपका क्या रहेगा जो अनचेंज रहेगा यानी कि सीधे और उल्टे दोनों में अनचेंज रहेगा तो ऑबी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट अगर थर्टीन है तो जो सातवा एलिमेंट है वो लेफ्ट से भी सातवें पोजिशन पे होगा और राइट से भी सातवें पोजिशन पे होगा यह ऑर्डर रैंग हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और बात कर लेते हैं अल्फाबेट टेस्ट से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन की अल्फाबेट टेस्ट पर बेस्ड अगर लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें यानी कि जैसा कि आपने देखा बारह से लेकर के बीस तक में आपको तीन प्रश्न देखने को मिले दो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है तो यहां पे आपसे बोला है इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रीजन आर अरेंज एल्फाबेटिकल फाइंड द लेटर हुज हुजिशन रिमेन अनचेंज्ड तो यहां पे अगर हम बात करें तो देखो डायरेक्ट ही बना देते हैं ए ई एन ओ आर एस तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी पोजीशन आपको चेंज होती हुई दिखाई ना दे रही हो जैसे कि आर की जगह पे आपको ए देखने को मिल रहा है सॉरी ई e यहां एक ऐसा लेटर है सॉरी ई यहाँ पे एक ऐसा लेटर है, e है जिसकी पोजीशन आपको अनचेंज देखने को मिल रही है यानी कि अगर हम बात करें वर्ल्ड रीजन की वर्ल्ड रीजन की बात करें यहां पे तो ये हो जाएगा ए ये हो जाएगा ई e ये हो जाएगा आपका एन ओ आर और एस तो इन सभी में केवल और केवल ई एक, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आपको अनचेंज यानी कि सेम पोजीशन पे देखने को मिल रहा है जो कि पहले आपको वर्ड रीजन में देखने को मिल रहा था क्लियर तो ये हो गई बात किसकी ये बात हो गई अल्फाबेट टेस्ट की अगले अगर हम चैप्टर की बात करें तो अगला चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे इसके साथ ही साथ सेशन थोड़ा सा आगे आपका लंबा हो सकता है जिसका ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो मोर देन वन आवर आपको देखने को मिल सकता है बाकी अगर हमने बात करी यहाँ पे क्या हमें पढ़ना है कितना हमें पढ़ना है एग्जाम और कंटेंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो सिलेबस में क्या है क्या आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है क्या पूछा जा सकता है पेपर के पैटर्न में चेंज किया हुआ तो सभी बातों को यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया तो मैं ये चाहूंगा कि इसके बाद जो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा जाएगा वहां पे आप लोग उसको भी देखें सेल्फ एनालिसिस करें कितना यहाँ पे हमें समय देने की आवश्यकता है कितना किस सब्जेक्ट का वेटेज है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आप अपना टाइम है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे उन कंटेंट्स पर आप फोकस कर पाएंगे कहीं ना कहीं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये टाइम जैसे कि क्या है काफ़ी क्रूशियल टाइम है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हर एक चीज़ को बारीकी से पूरा का पूरा डिटेल में ले जा करके पढ़ें और सारी चीज़ों को रिवीजन भी करें तो इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है जैसा कि आप सभी लोगों को ये बातें पता है तो आप लोगों ने जो भी मेहनत कर रखी है ऑलरेडी तो ये टाइम है उसे कहीं ना कहीं फ्रूटफुल बनाने का क्लियर तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ थैंक यू